पीएम के घर में पार्टी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी वंशवाद का विरोध करती रही है, लेकिन वाराणसी कैंट सीट पर वंशवाद ही विवाद का विषय बन रहा है। कैंट सीट से बीजेपी ने माँ और बाप के बाद अब बेटे को उतार दिया, लेकिन कार्यकर्ता बेटे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी सौरभ पर मचे संग्राम का समाधान कैसे निकालेगी? बीजेपी में वंशवाद का विरोध, वाराणसी कैंट में नहीं थम रही रहा। सौरभ श्रीवास्तव को लेकर छिड़ा संग्राम। 1991 के बाद से वाराणसी कैंट विधानसभा पर बीजेपी का राज है, और अगर प्रत्याशी पर गौर करें तो एक परिवार से ही विधायक होता आया है। बदल बदल कर पति पत्नी विधानसभा पहुंचते रहे और पार्टी की भी मेहरबानी बनी रही। अब माँ की उम्र ज्यादा हुई तो बेटे को सिंबल थमा दिया गया। इसे लेकर टिकट बंटवारे के बाद से विरोध की आवाज बुलंद हो रही है और प्रत्याशी बदलने को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें, वाराणसी कैंट से बीजेपी ने दिया है सौरभ श्रीवास्तव को टिकट। वर्तमान विधायक ज्योत्सना के बेटे हैं सौरभ श्रीवास्तव। अधिक उम्र की वजह से ज्योत्सना श्रीवास्तव को नहीं मिला टिकट। 1991, 1993, 2007 और 2012 में विधायक बनी ज्योत्सना। 1996 और 2002 में सौरभ के पिता हरीश विधायक रहे। 1991 के बाद से वाराणसी कैंट एक ही परिवार का विस। अब माँ और पिता के बाद बेटे को दिया गया टिकट। ये कैंट विधानसभा में क्या पोजीशन चल रहा है, वहाँ पे रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। जनता तो इतनी उब चुकी है, इनके पहले जो इनकी माताजी विधायिका थी, विकास के नाम पे कैंट विधानसभा कुछ नहीं है, अब इनको इनके बेटे को मिल गया। जो बीजेपी ने टिकट का बंटवारा किया है वो गलत किया है। जो पिछले से विधायक थे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया था, और जो नए चेहरे लाए हैं तो उन्हें कोई जानता भी नहीं, तो इनका खामियाजा उनको शायद भुगतना पड़ जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर बीजेपी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर कैंट विधानसभा प्रत्याशी बदलने की मांग। तमाम नारे गढ़ते हुए कह रहे हैं कि ये प्रत्याशी स्वीकार नहीं जिसको जन से प्यार नहीं। यही नहीं, कैंट विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सौरभ श्रीवास्तव को अयोग्य भी बताया जा रहा है, और प्रत्याशी ना बदलने पर लोगों ने बीजेपी को अंजाम भुगतने की बात तक कह दी। भारतीय जनता पार्टी ने कैंट विधानसभा से जिसको प्रत्याशी बनाया है उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि विगत 10 सालों से माननीय ज्योत्सना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो एक तरह से 10 सालों से सौरभ श्रीवास्तव ही विधायक चला रहे हैं, और आम जनता में इसको लेके इतना ज्यादा आक्रोश है, तो इस आक्रोश को पहुंचाने का संगठन को और पार्टी नेतृत्व को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन भावनाओं को, जनता की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, कि आप प्रत्याशी बदल दें, क्योंकि हम लोग मोदी जी के नाम पे कोई भी धब्बा नहीं लगाना चाहते। जो है हम लोग अंतिम दम तक प्रयास करेंगे प्रत्याशी बदल दिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग दिल्ली जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। ऐसे में विरोधियों की बांछें खिली हुई हैं। बीजेपी में विरोध के स्वर के बाद दूसरे दलों को राह आसान लग रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का संज्ञान लेती है या फिर नहीं। वाराणसी से समाचार प्लस के लिए राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट।